ये व्हाट्सअप गाइस कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों स्वागत है आपका आपके नए चैनल में देसी व्लॉग में। दोस्तों आज हम दिखाने वाले, आप जैसे देख सकते हैं बहुत सारी बाइकें हमारे पीछे खड़ी है और आज हम आपको दिखाने वाले हैं रॉयल इनफील्ड के बहुत सारे कलेक्शन और साथ ही साथ आपको माइलेज वाली बाइक भी दिखाएंगे, हैवी बाइक भी दिखाएंगे। तो सारी वीडियो में दिखाने वाले कवर करने वाले हैं। तो चैनल पर नए तो चैनल सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबाना ना भूले ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्दी से जल्दी पहुँच सके। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना किसी देरी के। तो दोस्तों आपके सामने सबसे पहले रॉयल एनफील्ड की बाइक आ चुकी है, देख सकते हैं हिमालयन आपके सामने खड़ी है। बहुत ही बढ़िया, बहुत अच्छी लग रही है गाड़ी, बहुत ही ज़्यादा ब्रांड न्यू लग रही है। ये पूछते हैं इसके बारे में। सर ये 2018 मॉडल है, हिमालयन BS4 सिंगल ऑनर बाइक है, दोनों चाबियाँ हैं। पूरी बाइक जो है आपकी आस्को मोटर से परचेज की गई है, आस्को मोटर से ही आज तक सर्विस होती आ रही है। जितनी भी सर्विस हुई है सारी शोरूम से हुई है, ऑन पेपर्स हुई है, एक एक रिकॉर्ड है। पूरी बाइक पे एक छोटा सा स्क्रैच भी नहीं है आपका। हाँ जी हाँ जी। और इसकी आपको मैं रीडिंग दिखाऊंगा, आप एक बार दिखाएंगे हमारे व्यूअर्स को इसकी रीडिंग देखेंगे तो इस बाइक की रीडिंग है खाली 4872 रुपये। 4872 जेनुअन चली हुई है, 4872 किलो। ओके। और इसकी आस्किंग जो रहेगी सर 1,68,000 रुपीज। 1,68,000 रुपीज। और अगर इसे न्यू परचेज करने जाए तो कितने तक? नहीं तो आपकी 250 के आसपास ही है। ओके। तो यहाँ पर दोस्तों आपको मिल जाएगी बहुत ही बढ़िया जेनुअन बाइक हिमालयन। अगर आप हिमालय के शौकीन है तो आपको यहाँ पे मिल जाएगी, बस आपको उसके लिए विजिट करना पड़ेगा शॉप पे। और शॉप का नाम है राहुल मोटर्स। एड्रेस जो है वो भाई बता देंगे पूरा। एड्रेस सर जो रहेगा आपका झंडे वालन मेट्रो स्टेशन के पास है, नायवाला 55 नंबर गली में, 1749 जो है एड्रेस रहेगा, 1749/55 नायवाला। किसी से भी आप नियर बाय मेट्रो स्टेशन पड़ेगा आपका झंडे वालन, किसी भी वहाँ पे उतरेंगे, किसी भी नियर बाय आपका रिक्शे वाला जो भी खड़ा होगा किसी को भी बोलेंगे नायवाला 55 नंबर के लिए जाना है, 20 रुपये लेगा वो यहाँ पे आपको ड्रॉप कर देगा। वैसे तो वॉक इन डिस्टेंस भी है, वॉक इन डिस्टेंस आना है 500 मीटर दूर है, वॉक इन पर भी आ सकते हैं। तो दोस्तों आई होप आपको समझ में आ गया होगा, बाकी वैसे डिस्क्रिप्शन में आपको मैं एड्रेस दे दूंगा तो आपको बस विजिट करना है। आइए अगले की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों आपके सामने एच के रॉयल एनफील्ड की दूसरी गाड़ी क्लासिक 350, आइए इसके बारे में पूछते हैं। सर ये भी एकदम ब्रांड न्यू गाड़ी है, एकदम स्क्रैचलेस गाड़ी है, जिसे कहते हैं ना मिंट कंडीशन। 2019 मॉडल गाड़ी है, सिंगल ओनर है, 9000 किलोमीटर चली है खाली। ABS है, आप चेक करेंगे सामने फ्रंट में ABS रहेगा, ड्यूअल चैनल है, आगे भी ABS है पीछे भी ABS है। बाइक की जो आस्किंग है आपकी खाली और खाली 1,58,000 रुपये, 1,58,000 रुपीज़ ओनली। दोस्तों 1,58,000 में आप इसको ले जा सकते हो। तो ये कितने किलोमीटर चलेगी? 9000 किलोमीटर खाली चली है सिर्फ। दोस्तों सिर्फ 9000 किलोमीटर चली और 1,58,000 की मिल जाएगी क्लासिक 350। बहुत ही बढ़िया बाइक है, देख सकते हैं बहुत ही ड्यूल डिस्क है, मतलब ड्यूल ABS है, ड्यूल चैनल ABS है। तो ये आपको मिल जाएगी 1,58,000 के अंदर। बहुत ब्लैक कलर में है, ब्लैक कलर सबसे ज़्यादा जो है ट्रेंडिंग में रहता है, सबसे ज़्यादा वही सेल होता है। ओके 350 cc के तो माइलेज कितना देगी? माइलेज सर आपका नॉर्मल अगर मैं बात करूँ सिटी में तो 32-33 देगा, हाईवे पे 35-36 तक जाता है। ओके। वो भी डिपेंड करता है आपकी स्पीड के ऊपर, बाइक की सर्विस के ऊपर। ओके। तो इसी के बगल में दोस्तों अगर आप थोड़ी सी आगे देखेंगे तो आपके एक और बुलेट। हमारा कोई भाई कहता है कि अभी हमें ब्लैक कलर में चाहिए लेकिन थोड़ा बजट कम है, थोड़े कम बजट में दिखाइए, तो उनके लिए साथ में खड़ी है एक और ब्लैक ब्यूटी। 2018 मॉडल है, सिंगल ओनर बाइक है, 14000 किलोमीटर चली हुई है। बाइक की जो आस्किंग रहेगी सर 1,30,000 रुपये सिर्फ और सिर्फ। 1,30,000 उसमें भी थोड़ा बहुत नेगोशिएट कर देंगे अगर कोई आपके चैनल का नाम लेके आता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके। तो दोस्तों आपको ये 1,30,000 की मिल जाएगी और बाकी अगर आप हमारे चैनल के थ्रू आते हैं तो उसमें भी कुछ नेगोशिएट हो जाएगा। तो जल्दी से जल्दी विजिट करिए, वेट कर किसका कर रहे हैं, जल्दी से जल्दी डिक क्रैक करिए और जल्दी से जल्दी लेके जाइए। मौका यहाँ पर हमेशा वीक से वीक जो स्टॉक है वो चेंज होता रहता है, तो इसलिए हम आपके लिए नई नई वीडियो लेके आते रहते हैं। तो जल्दी से जल्दी आइए और लेके जाइए। वैसे कितने किलोमीटर चली होगी? सर ये 14,000 किलोमीटर अप्रोक्स चल चुकी है, आगे आफ्टर मार्केट इसमें HID आप देखेंगे लग रखी है, ये कस्टमर ने आफ्टर मार्केट लगवा रखी है। ओके। तो दोस्तों ये आपको देख सकते हैं सिर्फ मिल जाएगी कितने की? ये मिल जाएगी आपको 1,30,000 रुपये की सिर्फ, 1,30,000 के। ओके। तो दोस्तों आइए अगले की तरफ चलते हैं। अगले में दोस्तों आपको रॉयल एनफील्ड की एक और गाड़ी दिख रही है गन मेटल में, आइए इसके बारे में पूछते हैं। सर ये वही तो आपका 2019 मॉडल ABS ड्यूअल चैनल UP नंबर में है। हाँ जी। इसकी जो आस्किंग रहेगी सर 1,58,000 रुपीज़ है। 1,68,000 है? नहीं सर 1,50,000 रुपीज़। 1,50,000 दोस्तों 1,50,000 में आप इसको ले जा सकते हैं, वेल एंड गुड कंडीशन में। UP नंबर है तो UP ट्रांसफर करा रहे में भी बेस्ट रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी।
नोएडा का आपका नंबर है, आप बड़े आसानी से जो है उसको ट्रांसफ़र करा सकते हैं। ये कितने किलोमीटर चली होगी सर? ये आपकी चली है 10,000 किलोमीटर सर। 10,000 किलोमीटर दोस्तों चली है और आपको मिल जाएगी 1,50,000 की। आइए अगले की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों आपके सामने एक और गाड़ी आ चुकी है, सिल्वर कलर की, बहुत ही प्यारी लग रही है। इसके आगे आप देख सकते हैं जैगवार बना हुआ है, बहुत ही बढ़िया गाड़ी है। आइए इसके बारे में पूछते हैं। सर ये 2018 मॉडल गाड़ी है आपकी, ये भी सिंगल ओनर गाड़ी में है। इसका रहेगा आपका सेम आस्किंग 1,30,000। 1,30,000 ओके। तो 2018 में मैं आपको 3-4 कलर दे दूंगा, एक ब्लैक कलर है, एक सिल्वर कलर है, एक ब्राउन कलर है, एक वाइट कलर भी है जी। तो दोस्तों 1,30,000 में ये आपको मिल जाएगी। नंबर देखिए दोस्तों 3727, बहुत ही बढ़िया नंबर है। और साथ ही साथ इसके आगे आप देख सकते हैं जैगवार लगा हुआ है, बहुत बढ़िया गाड़ी लग रही है, ब्रांड न्यू लग रही है। तो ये कितना किलोमीटर चली होगी सर? ये चेक कर लेते हैं हम, किलोमीटर इसके जो रहेंगे वो है आपके 18,000 किलोमीटर, 18,923। 18,923 दोस्तों मान के चलते हैं 19,000 किलोमीटर है बिल्कुल। और ये गाड़ी बिल्कुल जेन्युइन है, और जैसे हैवी बाइक है तो हैवी बाइक में इतने किलोमीटर कुछ ज़्यादा नहीं होते हैं, बस आपको यहाँ पे आना है और लेके जाना है। 1,30,000 में आपको ये मिल जाएगा। आइए अगले की तरफ चलते हैं। दोस्तों अगले की तरफ आपको दिखाई दे रहा है चैरी कलर का एक बाइक, बुलेट रॉयल इनफील्ड। आइए पूछते इसके बारे में। सर ये भी आपका 2018 मॉडल बाइक है, सिंगल ओनर है आपका, सेम 1,30,000 इसका आस्किंग रहेगा। ओके तो दोस्तों ये भी आपको 1,30,000 में मिल जाएगा। आपके पास 3 ऑप्शन क्रिएट हो चुके हैं 1,30,000 के, और आपको बहुत ही ऑप्शन देख रखते हैं। पहला आपको गन मेटल, दूसरा सिल्वर कलर में, और तीसरा चैरी कलर में आपके पास बाइक्स आ गई है। आप इसको ले जा सकते हैं 1,30,000 के अंदर सिर्फ। तो ये कितने किलोमीटर चली होगी सर? ये आप चेक कर लेते हैं हम किलोमीटर जी, चेक करता है। तो दोस्तों आइए चेक करता है किलोमीटर रहेंगे सर 14,403। 14,403 दोस्तों जो भी है 14,000 मान के चलते हैं, 14,000 किलोमीटर चली है। आप यहाँ पर आकर खुद से टेस्ट ड्राइव लीजिए, पूरा चेक कीजिए, सेटिस्फाइड होए गाड़ी देखें, टेस्ट ड्राइव करें, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। आप गाड़ी परचेज करके भी जाते हैं सर, उसके बाद भी हमारी आफ्टर सर्विसेज होती है। 5 दिन चलाते हैं आप, 10 दिन चलाते हैं, 15 दिन चलाते हैं। अगर आपको कोई डाउट होता है या कुछ आपको लगता है तो आप गाड़ी लेके आ सकते हैं, हम आपको पूरी तसल्ली करवा के आपको भेजेंगे, कोई ऐसी बात नहीं। ओके तो दोस्तों देख सकते हैं पूरे के पूरे जेन्युइन शॉप है, ट्रस्टेबल शॉप है। तो ये कितने सालों से चल रही है सर? 45 ईयर्स हो चुके हैं सर इस शॉप। 45 साल दोस्तों, 45 साल का ट्रस्ट देख सकते हो, बहुत होता है एक्सपीरियंस कहता है या दोस्तों। आप ऑनलाइन भी चेक करेंगे रिव्यूज रेटिंग, आपको वहाँ से पता लग जाएगा, बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी सर। ओके तो दोस्तों आपको विजिट करना है, करोल बाग में शॉप पड़ती है, तो जल्दी से जल्दी आए और डील क्रैक करिए। आइए अगले की तरफ से। जो दोस्तों आपके सामने आ चुकी है एक और गाड़ी, बुलेट की मतलब रॉयल इनफील्ड की। आइए इसके बारे में पूछते हैं। सर ये आपका 2018 मॉडल है, डेजर्ट स्टॉर्म कलर इसको हम बोलते हैं। 2018 मॉडल है। आफ्टर मार्केट आपके फ्रंट के इंडिकेटर्स लगे हुए हैं, आफ्टर मार्केट एलॉय लगा हुआ है, आफ्टर मार्केट बैकरेस्ट है, आफ्टर मार्केट आपका ये लैगगार्ड लगा हुआ है, पूरी लोडेड गाड़ी है। और 1,50,000 खाली इसकी आस्किंग रहेगी। 1,50,000 सिर्फ। ओके तो 1,50,000 में दोस्तों आप इसको ले जा सकते हैं। गाड़ी देख रहे हैं बहुत ही बढ़िया है, कलर ऐसा है कि दोस्तों आपको गंदा मतलब डस्ट लगने की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बहुत ही जेन्युइन प्यारा कलर है। आप देखेंगे आगे आफ्टर मार्केट स्टिकरिंग भी हो रखी है पूरी गाड़ी के ऊपर, पूरी गाड़ी लॉडेड है, पैनल के ऊपर पीछे स्टिकरिंग हो रखी है, पूरी एकदम जेन्युइन जिसे कहते हैं वो गाड़ी आपके लिए। तो दोस्तों आपको ये मिल जाएगी 1,50,000 की। बाकी हम इसके बारे में पूछते हैं कि कितने किलोमीटर चली है। सर आपकी 12,400 किलोमीटर चली है। 12,400 दोस्तों जो जेन्युइन मीटर बता रहा है वही हम आपको शो करके दिखा रहे हैं बिल्कुल। आप कंपनी में भी रीडिंग चेक करा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 12,400 किलोमीटर दोस्तों चली है सिर्फ। आइए इसी के बगल में अगर आप देखना चाहेंगे तो थंडर बर्ड खड़ी है रॉयल इनफील्ड की। आइए इसके बारे में पूछते हैं। सर ये भी 2018 मॉडल रहेगा सर, इसका ये 500 cc में है आपकी बाइक, और इसकी जो आस्किंग रहेगी 1,40,000 रुपीज़। 1,40,000 सिंगल ओनर बाइक है सर ये भी, और एकदम मिंट कंडीशन में है सर। 1,40,000 दोस्तों 1,40,000 में आप इस गाड़ी को ले जा सकते हैं। बहुत जैसे किसी को बहुत लंबे टूर के लिए जाना है तो उसके लिए थंडर बर्ड अच्छी होती है, काफ़ी कंफर्ट सीट होती है बिल्कुल इसकी। आप इसमें देखेंगे उसके अलावा भी कस्टमर ने कस्टमाइज सीट इसमें करवा रखी है, और बाइक अगर आप देखेंगे कितनी चली है सिर्फ और सिर्फ 3200 किलोमीटर चली है सिर्फ। 200 से 3200 किलोमीटर दोस्तों चली है सिर्फ, और बहुत ही जेन्युइन गाड़ी है। तो दोस्तों आप यहाँ पे आके ट्रस्ट करके ले सकते हैं, बाकी खुद से भी चेक करिए। जब तक खुद सेटिस्फाइड नहीं होंगे तब तक मज़ा नहीं आएगा, और दोस्तों आपको आना है जरूर, यहाँ पर लेके जाना, डील क्रैक करनी है। आइए अगले की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों आपके सामने आ चुके हैं रॉयल एनफील्ड के एक और गाड़ी, ये भी थंडर बर्ड ही है लेकिन ये 500 cc की है। इसके बारे में पूछ, ये आपका 500 cc है सर, सेम 18 मॉडल रहेगा लेकिन ये 500X है, जिसके अंदर आपका कंपनी फिटेड एलॉयज आते हैं। कलर आप देखेंगे एकदम यूनिक कलर बाइक का है, और सिर्फ 1,500 किलोमीटर 1,800 किलोमीटर बाइक जेन्युइन ड्रिवन है खाली। ओके जी। तो ये
कॉस्ट कितनी होगी इसकी? इसका सर जो आस्किंग रहेगा 1,45,000 रुपीज़ है। 1,45,000 दोस्तों, अगर आप बाइक है आपकी और ट्यूबलेस टायर्स हैं इसके अंदर, डबल डिस्क में गाड़ी है। तो दोस्तों अगर आपको अपना ड्रीम पूरा करना है रॉयल इनफील्ड की गाड़ी लेके, तो यहाँ पर आप तरह तरह की आपको रॉयल इनफील्ड मिल जाएंगी, आप ले सकते हैं। आपका अगर बजट कम है तो भी आपके लिए अवेलेबल है, और आपका बजट हाई है तो भी आपके लिए अवेलेबल है। सारी बाइकें आप कोई सी भी ले सकते हैं। तो वीडियो के साथ बने रहिए, अभी और भी बाइकें अब दिखाने के लिए, तो आइए अगले की तरफ चलते हैं। अगले में दोस्तों आपके सामने एक और रॉयल इनफील्ड की गाड़ी आ चुकी है, इसके बारे में पूछते हैं। सर ये बाइक आपकी जो रहेगी है स्टैंडर्ड 500। स्टैंडर्ड 500 है। आफ्टर मार्केट इसके अंदर आपके एग्जॉस्ट लगा है, आफ्टर मार्केट आपका एलॉयज इसके अंदर लगे हुए हैं। सिंगल ओनर आई थिंक नहीं, डबल ओनर बाइक है ये, सेकंड ओनर बाइक है आपकी। ओके इसकी सर जो आस्किंग रहेगी वो है आपकी 1,20,000 रुपीज़ ऑन। 1,20,000 दोस्तों, 1,20,000 में आप इसको ले जा सकते हैं। बहुत ही वेल एंड गुड कंडीशन में गाड़ी है, बहुत ही ज़्यादा मिंट कंडीशन है। तो ये कितने किलोमीटर चलेगी सर? इसके किलोमीटर्स मैं आपको चेक करवाता हूँ, आइए। हाँ जी, इसके किलोमीटर्स है 21,321। तो दोस्तों 21,000 किलोमीटर चली है ये, आपको अच्छी खासी कंडीशन में गाड़ी मिल जाएगी, वो भी 1,20,000 में ना। बिल्कुल सर, 500 सीसी भी थोड़ा बहुत नेगोशिएट कर देंगे, और 500 सीसी में है, सेल्फ के साथ आता है 500 सीसी स्टैंडर्ड का। ओके हाँ जी। तो दोस्तों 500 सीसी में आपको ऐसी गाड़ी मिलती है। जैसे 500 सीसी तो ये माइलेज कितना देती है? माइलेज सर 20 का आता है आपका नॉर्मल का, और अगर हाईवे पे बात करें तो 22-23 तक आपका है। 22-23 जी सर। ओके तो दोस्तों आपके सामने रॉयल एनफील्ड की एक और गाड़ी आ चुकी है, बहुत ही बढ़िया लग रही है, बहुत जेन्युइन कंडीशन में, और कलर बहुत ही प्यारा है। आइए इसके बारे में पूछते हैं। सर इसके अंदर ना आज मैं आपको 2017 मॉडल है मेरे पास, उसमें भी ना मैं आज आपको दो ऑप्शन दिखाऊंगा। हाँ जी, दोनों आप देखेंगे साथ में बाइक्स खड़ी हैं। हाँ जी, दोनों ही 2017 मॉडल बाइक है, दोनों ही सिल्वर कलर में है, और दोनों ही लेस ड्रिवन बाइक्स हैं आपकी। एक चलिए आपके 11,700 किलोमीटर, और आपकी जो दूसरी बाइक है वो भी आपकी 11,000 के आसपास ही चली है। दोनों ही जेन्युइन पर्सन की बाइक है, हमारे जानने वाले की ही बाइक है। ओके, बाइक बिल्कुल भी चढ़ी नहीं है, दोनों की सिर्फ जो आस्किंग है 1,20,000 रुपये का ली। 1,20,000 रुपीज़, उसमें भी थोड़ा वो नेगोशिएट कर देंगे, कोई प्रॉब्लम। तो दोस्तों यहाँ पर आपके 1,20,000 में तीन ऑप्शन फिर से मिल जाते हैं, और आप यहाँ से तीन ऑप्शन में से कोई से भी ले सकते हैं, आपकी मर्जी। आप तीनों चेक करके देखिए, जो आपको बेस्ट लगे, जो आपको सुटेबल लगे, वो आप ले जा सकते हैं। वेल एंड गुड कंडीशन में गाड़ी है, तो जल्दी से जल्दी विजिट करें राहुल मोटर्स में और लेके जाइए। तो दोस्तों जैसे कि हमने सारी के सारी आपको बाइकें दिखा दी, यहाँ पर आपको बुलेट भी मिल जाएगी, यहाँ पर आपको नॉर्मल बाइक्स भी मिल जाएगी, हैवी बाइक सारी मिल जाएगी। तो उसके लिए सबसे पहले विजिट करना पड़ेगा, और पूछते हैं कि बाइक आप तक पहुँचेगी कैसे, और फाइनेंस की फैसिलिटी अवेलेबल है या नहीं। फाइनेंस की सर फैसिलिटी आपको मिल जाएगी, लेकिन दिल्ली आईडी पे खाली फाइनेंस हो पाएगा। अगर आपका 730 से ऊपर आपका सिविल जाता है तो 20,000 डाउन पेमेंट करके भी आपकी जो है गाड़ी आप लेके जा सकते हैं। कोई भी गाड़ी बुलेट भी सिविल? हाँ बिल्कुल, कोई भी गाड़ी आप लेके जा सकते हैं, लेकिन आपका सिविल जो है 730 से ऊपर होना चाहिए। थोड़ा बहुत उससे नीचे होता है या उसके आसपास होता है तो फिर वही 30,000 से 35,000 40,000 डाउन पेमेंट जाएगा और लोन हो जाएगा, लेकिन दिल्ली की आईडी पे आएगा। ओके, अगर कोई दिल्ली से बाहर का बंदा है उसको लेनी है, तो वो कोई इसका फ्रेंड यहाँ पे रहता है तो उसकी आईडी पे ले सकता है? केयर ऑफ हम करवा देंगे, उसमें ये हो जाएगा कि वो अपने फ्रेंड की आईडी देगा, एड्रेस उनका आएगा, लेकिन नाम उनके हो जाएगी। अच्छा, जो यूपी में रहते हो, हरियाणा में रहते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो केयर ऑफ में ट्रांसफर हो जाएगी और वो सस्ता पड़ता है। और डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेंगे? डॉक्यूमेंट्स में सर एक आधार कार्ड लगेगा उनका, और एक उनके रिलेटिव का आधार कार्ड। नहीं मतलब जैसे किसी बंदे को पूरी तरह से फाइनेंस कराने, तो फाइनेंस के लिए सर आपका एक पैन कार्ड रहेगा, एक आधार कार्ड रहेगा, 3 महीने की बैंक स्टेटमेंट होगी, 3 चेक हो गए, 3 फोटो, ये चीज़ें आपको चाहिए। तो दोस्तों आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। तो अगर कोई और डिटेल्स है तो आप व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं, स्क्रीन पे नंबर फ्लैश हो रहा है, उस पर आप कॉन्टैक्ट करिए और सारी डिटेल्स ले लीजिए। बाकी मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तो गुड बाय।